ओम या श्री स्वयं सुकृतानां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतज्ञां देश बुद्धि श्रद्धा सतां कुल जन प्रवस्य लज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं हरि। नवरात्रों की इस यात्रा पर हम निकले हुए हैं और नवरात्रों के साथ नौ नेताओं की बात करते हैं। यहाँ कहाँ नवरात्रों में नव दुर्गा की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम नेताओं की बात करते हैं। कलयुग में नेताओं को किसके साथ समकक्ष माना जाता है इसके विषय में कुछ नहीं बताऊंगा, पर तब भी हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें नेता के ऊपर। और पांचवें नेता की जब हम बात करते हैं तो एक छोटे से गांव से चलकर उस व्यक्ति ने देश में कॉर्पोरेट मूवमेंट हो या फिर स्टूडेंट यूनियन का मुद्दा हो, वहाँ से उठकर पंत प्रधान की गद्दी को छूने का प्रयत्न किया। और ऐसा नहीं कि वो कामयाब नहीं हुए, पर पंत प्रधान नहीं बन सके, यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। पर उसके बावजूद भी लोग उनको पिछले 20 सालों में 20 बार पंत प्रधान की गद्दी पर बैठते हुए देखना चाहते रहे हैं, पर वो बन ना पाए। क्या कमी है उनकी कुंडली में, क्यों नहीं बन पाए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मगर आज के नेता जो हैं मेरे बहुत ही आदरणीय, श्री शरद पवार। जब हम शरद पवार की बात करते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। शरद पवार अपने आप में नाम ही काफ़ी है, मगर जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बारामती से निकले हुए शरद पवार, एक शेतकरी फैमिली से निकला हुआ एक मराठा नेता जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि एक नेता ऐसा भी है जिसका नाम शरद पवार है। मराठा नेताओं में बहुत से नेता हुए, पर शरद पवार जितना प्रसिद्ध हुए, जितने मशहूर हुए अपनी कूटनीतियों के कारण, अपनी चाणक्य नीतियों के कारण, अपनी कौटिल्य नीतियों के कारण, अपनी कुनीतियों के कारण या अपनी सुनीतियों के कारण, ये आपने निश्चय करना है, मैं नहीं बोलूँगा। क्योंकि बहुत सी बार बहुत सी बातों में उनकी उदाहरणें दी जाती हैं, मगर मैं तो सिर्फ कुंडली की बात करता हूँ। भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम, नियति आदमी को चाय वाले को पीएम बनाती है, रिक्शा वाले को सीएम बनाती है, बकरी चराने वाले को अब्राहम लिंकन बनाती है। तो आइए नियति क्या कहती है शरद पवार की, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 12/12/1940 सुबह का दिन गुरुवार, मेरे बाबा का दिन, और आज हम गुरुवार को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेष राशि मगर नाम उनका जो है वो कुंभ राशि के ऊपर रखा गया है, यानी उनके पिताजी ने कुंडली दिखाई ही नहीं जब पैदा हुए, वो अपनी कुंडली खुद ही लिखते रहते हैं। कभी भी शरद पवार को देख लो, ना कुंडली, ना भगवान, ना धर्म, ना कर्म, ना संस्कार, कुछ लेना देना नहीं है। अपना राजनीति ही उनका धर्म है, राजनीति ही उनका कर्म है, राजनीति ही उनके संस्कार है। और मैं मानता हूं ये बात, मेरे पिताजी कहते थे कि एक या काम के हो जाओ या राम के हो जाओ, तो शरद पवार काम के हो गए, इसलिए राम उनको अपने आप मिल गया होगा। मगर 12/12/1940 में शरद पवार साहब का जन्म हुआ। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन की हम पिछले 5 एपिसोड में कितनी बातें कर चुके हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित भाई शाह हो, राहुल गांधी और साथ में नरेंद्र मोदी, ये सब लोगों की वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि या कर्क लगन या कर्क राशि है, क्योंकि मंगल की राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है, मंगल, 12वें घर में शरद पवार के बैठा हुआ शुक्र के साथ। एक चरित्रवान नेता, इस बात को ध्यान रखिए, बड़े नेता आपने देखे होंगे, ये अपनी राजनीति के लिए, कूटनीति के लिए 24 में से 22 घंटे काम कर सकता है, मगर अपने चरित्र को कभी शरद पवार ने गिरने नहीं दिया, इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। शुक्र की महादशा में इनका जन्म हुआ, 12/12/1940 19/9/1943। एक सामान्य परिवार, शेतकरी परिवार में इनका जन्म हुआ, घर का वातावरण ठीक ठाक था। उसके बाद सूर्य की महादशा आई 43 से 49 में, स्कूल मतलब ऐसा समझ लें कि स्कूल जाते रहे होंगे, क्योंकि इनका बुध मंगल की राशि में बैठा है, बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, मगर नीतियों में सबसे अच्छे थे। आप ध्यान से सुनिए कि आदरणीय धीरूभाई अंबानी कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे,
मगर विद्वता व्यापार इतना ज्यादा किया कि मरने से पहले 1,00,000 करोड़ रुपए को रिलायंस बना के छोड़ दिया। और इस वक्त हम इनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मेष राशि के साथ साथ में इनका नक्षत्र बहुत सुंदर है, जिसकी कई बार क्या होता है कि नक्षत्र जो है वो आदमी को बहुत कुछ बना देता है। मेष राशि में शुक्ल पक्ष यानी चंद्रमा ऑलमोस्ट इनको पूर्णिमा का मुहूर्त मिलता है, 13वीं है और 14वीं है, और भरणी नक्षत्र एक धीर गंभीर नेता जो राइट हैंड साइड में क्या पकड़ा है लेफ्ट हैंड साइड को पता ना लगने दे, घर में क्या खाया है उसकी बीवी को भी पता ना लगे वो ऐसा कुछ बना के खा ले बे, तो भगवान की कृपा से धीर गंभीर नेता। और वृश्चिक लगन और मेष राशि दोनों मंगल की राशियां, वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल, मेष राशि का स्वामी भी मंगल, धनस और मांगलिक कुंडली, तो चंद्रमा की महादशा लगी 1949 से 59। यानी जब हम चंद्रमा की महादशा की बात करते हैं तो चंद्रमा की महादशा जो है आदमी को कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर देती है कि आपको ज्ञात हो जाता है कि यस ही विल डू समथिंग। जैसे तेंदुलकर को आपने 14 साल की उम्र में जिन्होंने बैटिंग करते देखा, उन्होंने थोड़ी सोचा था कि ये अब्दुल कादर को इतना मारेगा कि पूरे देश का पूरे विश्व में 17 साल की आयु में ही कहां का कहां पहुंच जाएगा। मगर यहां पर भी इनकी चंद्र की महादशा जब लगी तो चंद्र की महादशा में इनके जीवन में वो हुआ जो आपने सोचा ना था। पूना के कॉलेजेस में इन्होंने जब यूनियन ज्वाइन की तो शरद पवार की उम्र 18 से 19 बरस की थी, यूनियन ज्वाइन करते ही इनकी मंगल की महादशा लगी, लग्नाधिपति मंगल। 1959 से 1966 तक शरद पवार एक वाहद आदमी थे जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके NSU का इलेक्शन जीता और कॉलेज में और यूथ के लीडर बने। 25 साल से पहले शरद पवार ने डेफिनेटली आमदारगी हासिल कर ली और वहाँ से इनका जब करियर शुरू होता है तो इनके गुरु कौन बनते हैं, वो बनते हैं बसंत दादा पाटिल। शरद राव को मिनिस्टर बनाया जाता है 66 से 84 तक, 43 ईयर की एज होती है 84 में इनकी, मिनिस्टर बनाया जाता है। और राहु की महादशा में शरद पवार ने दुनिया को दिखा दिया कि मैं एक मराठा ऐसा नेता हूँ जो कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि नीतियाँ कुनीतियाँ ग्रहों से आती हैं। संस्कार में यानी आपके माता पिता राजा थे, जरूरी नहीं है कि आप राजा बनोगे। तो इन्होंने इनकी ग्रह दशा राहु की इतनी अच्छी थी कि 1984 तक तो इनको इन्होंने अपने ही गुरु को समझाया कि अभी आप बुढ़े हो चुके हो, आपको राजनीति से त्याग पत्र ले लेना चाहिए और चीफ मिनिस्टर की गद्दी जो है वो मुझे मिल जानी चाहिए। मगर भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम, सिचुएशन ऐसी बनी कि गुरु की महादशा इनकी जब 84 से लेके 2000 तक आई, ये दो बार मुख्यमंत्री बने। पहले मंत्री रहे, छोटे मोटे खाते मिलते रहे, मगर गुरु की महादशा एक ऐसी महादशा थी, जवानी में कहते हैं गुरु और शनि अगर उज्जवल आपके हाथ में आ जाते हैं और आपकी महादशा लग जाती है तो आप रंक से राजा बन जाते हो। यही शरद पवार के 84 से लेके 2000 तक 16 साल की महादशा में हुआ। मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने दिल्ली का रुख किया, क्योंकि इवेंचुअली तो शरद पवार का जो एम जो था ये अंतर्मन से एम, उन्होंने कभी बताया नहीं किसी को कि मैं पीएम बनना चाहता हूँ, अंतर्मन से उनके यहाँ काल्पनिक दृष्टिकोण होगा कि मैं पीएम बन सकता हूँ, वो लोगों को भी लगा। मगर राहु की महादशा में पान पराग तमाकू या किसी तरह की कोई व्यवसाय लग गई, क्योंकि राहु जो है इन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। किस वजह से आदमी को कैंसर होता है, 1, 2, 4, 10 दिन कैंसर, मतलब 2, 4, 10 दिन के तम्बाकू खाने से या पान पराग खाने से कैंसर नहीं होता। आप लगातार अपनी धुनकी में कल्पना में धंधे में रख के बैठे रहते हो तो 20 साल में वो अंदर की अंदर चीज़ें पनपती रहती हैं। तो राहु की महादशा में इनको प्रगति मिली मगर साथ में व्यसन भी मिला 84 से 59 तक, और फिर वापस 84 से 2000 तक, सॉरी ये 16 साल की। अब इनकी दशा लगी शनि की। यहां पर देखिए कि इन्होंने क्या किया। आपको याद होगा कि 1988 से 2000 तक
शरद पवार एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को नमस्कार कर दी, पहले बसंत दादा पाटिल को फिर कांग्रेस को। आई विल टेक वन मिनट। एनसीपी का गठन कब हुआ? 10 जून 1999। हाँ, मैं यहाँ, मैं, मेरे को शंका थी इसलिए कंटिन्यू करता हूँ। 10 जून 1999। हाँ, पहले बसंत दादा पाटिल को छोड़ा, उसके बाद ठीक है वो क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, उसकी उसके पचड़े में नहीं पड़ूंगा, मगर यहाँ पर इनका कांग्रेस के साथ विवाद हुआ और 98 से विवाद इतना बढ़ गया, 98 से विवाद इतना बढ़ गया कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता था उसको कहीं ना कहीं अपनी एक पार्टी बनाकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। 10 जून 1999 में उन्होंने एनसीपी का गठन किया। जब एनसीपी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनको नेता मिले, उनके पुराने लोग उनको मिले, डेफिनेटली एनसीपी सत्ता में रही, दिल्ली में भी रही 2004 से लेकर 2014 तक। ये बात में कोई दो राय नहीं कि एनसीपी ने महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस के साथ और फिर उद्धव ठाकरे के साथ भी सरकार बनाई, यानी अब तक एनसीपी सत्ता में थी और अब भी कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर एनसीपी सत्ता में है। वो कैसे है ये आपने निश्चय करना है। तो शनि की महादशा 2000 से 2019 तक लगी। अब एक बात ध्यान रखिए, बहुत से लोगों का ये प्रश्न है, हमारे एडिटर इन चीफ कोचरेकर जो है राजेश जी, उन्होंने भी पूछा कि ये सीएम पीएम बन क्यों नहीं पाए, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल महाराष्ट्र के कोने कोपरे में हर नेता, हर मराठी मानुष के दिल में है कि ये बंदा इतना बड़ा था, ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना। यहाँ पर एक बात मैं ध्यान से सुन लीजिए कि शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जिनको काम तो मिला पर आशीर्वाद नहीं मिला। आशीर्वाद नहीं मिला, माँ का आशीर्वाद जरूर मिला पर भगवंत का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। 70% अकाउंट तो शरद पवार जी का भरा हुआ है, कामों से, परोपकार से, उपकार से, चैरिटी से, शेतकारियों की मदद से, गरीब की मदद से, नहरें बनाने से, सब कुछ किया। 70-80% वो काम किए जो कि एक पीएम कैंडिडेट उम्मीदवार को करने चाहिए, मगर बने क्यों नहीं, कि 30% धर्म आशीर्वाद का खाता खाली था। अरे भाई साहब, जब आपका 30% खाता खाली है तो आप पीएम कैसे बन सकते हो। ऊपर से इनको 2014 के बाद अजीब अजीब तरह के रोग हुए, कष्ट हुए, मुंह का एक तरफ से पूरा निकलवाना पड़ा और उसके बाद आपने सबको पता है कि पिछले दिनों इनका जब बंगाल के इलेक्शन थे उनको गॉल ब्लैडर की समस्या हुई, फिर उनका एक ऑपरेशन हुआ। अभी भी स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है मगर तब भी मराठा है और मंगल लग्नाधिपति है मजबूती से। चार आदमियों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्षत्रिय मराठा हूँ मैं, पकड़ने नहीं देते। उठने के लिए हो सकता है किसी की हेल्प ले लें मगर चलने के लिए हेल्प नहीं लेते। सो अब क्या हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2019 शनि की महादशा खत्म हुई, अब दशा शुरू हो गई बुध की। बुध और सूर्य जो है मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और इस वक्त शरद पवार की कुंडली में बुध में शुक्र चल रहा है। देखिए, समटाइम यू से व्हाट यू गिव यू इट कम्स बैक टू यू, बट आई डोंट वांट टू से। समटाइम यू से कि आप अपने कर्मों का फल भुगतते हो। अरे भाई साहब, 82-83 ईयर की आयु हो चुकी है, राजा बनकर आप पैदा जिंदा जीवन जिया है आपने, अब कुछ हुआ भी है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। सप्तम भाव को देखते हैं तो प्रतिभा पवार की बात मैं करना भूल गया। प्रतिभा पवार इनके जीवन में एक ऐसी स्त्री आई जो भाग्यवान, लक्ष्मी, आरोग्यवान, सब कुछ इनको उनके माध्यम से मिला। जितना धर्म प्रतिभा पवार ने किया उसके सारे फल शरद पवार को लगे। पिछले 50 से 60 साल के करियर में, चाहे वैष्णो देवी ले जाने की लोगों की बात हो, शिरडी ले जाने की बात हो, हजारों लोगों को भोजन कराने की बात हो, वो इनकी तरफ से प्रतिभा पवार ने किया, मगर तब भी आपके मन में धर्म नहीं है तो कोई ना कोई तो सजा मिलती है। वो सजा ये मिली कि ये पीएम ना बन पाए।
अब इनकी बुद्ध की महादशा शुरू हुई है, और रिसेंटली हमारे कुछ चैनल के माध्यम से, कुछ शोज़ के माध्यम से आपने देखा होगा कि हमने 4-5 बार भविष्यवाणी की कि इनका सबसे क्लोजेस्ट, इनका रिश्तेदार, इनका भतीजा पार्टी में बगावत कर सकता है, और वो बगावत हो गई। अब एनसीपी किसकी है? जैसे एक सवाल खड़ा होता है कि शिवसेना किसकी है? एकनाथ ने ले तो ली शिवसेना, पर आगे जाकर क्या होगा अभी तक आपको नहीं पता, क्योंकि केस भी चल रहे हैं। और अब एनसीपी किसकी है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। लोग बोलते हैं, छगन भुजबल जैसे लोग, प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग, मैं तो नाम लेके बोलता हूँ कि जो उन्होंने किया उन्होंने भुगता, ऐसा कुछ नहीं है। शरद पवार आज भी मजबूती के साथ बुद्ध की महादशा में खड़े हैं, मगर समस्या क्या है कि उनके पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है। पंचम भाव पुत्र और पुत्री का होता है, एक तो उनको पंचम भाव का ध्यान रखना चाहिए, पुत्र और पुत्री के प्रेम में सही दिशा में डिसीजन लेने चाहिए। नहीं तो एक बात तो पक्की है कि अब एनसीपी तो चली गई, एनसीपी तो उनके हाथ से ज़्यादा 80% लोग तो आज अजीत पवार के साथ चले गए। अजीत पवार की कुंडली और शरद पवार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली अजीत पवार 25 हैं और शरद पवार 10 रह गए। हेल्थ की बात कर लो, सेहत, आयु की बात कर लो, तजुर्बे की बात कर लो, डिसीजन मेकिंग की बात कर लो, तो कहीं भी अजीत पवार डिसीजन मेकिंग में या किसी भी तरह का कोई भी फैसला लेना है तो डेफिनेटली शरद पवार से 10 गुना अच्छे हैं। ये उनकी कुंडली बोलती है, मेरा दोनों से कोई लेना देना नहीं। तो हो सकता है अपनी मर्जी से शरद पवार अजीत पवार को ये गद्दी सौंप दें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 2025-26 जो हैं उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होंगे। बुध में शुक्र और बुध में जब भी सूर्य आएगा तो सूर्य जो है वो हार्ट के साथ संबंध रखता है। सी, जब आप स्टीरियोइड्स लेते हैं, दवाइयां खाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, आप तो कंटिन्यूसली आपकी यात्रा सब रहती है, आप स्वस्थ रहते हो, मगर कब क्या होगा किसी को कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मृत्यु और जीवन सिर्फ भोलेनाथ के हाथ में है। मगर 84, 85, 25 और 26 जो है डेफिनेटली एक दो बार फिर इनके ऑपरेशन होंगे। ये समय जो है इसको अच्छा करने के लिए शरद पवार साहब को एक कष्ट निवारण पूजा करवानी चाहिए, और सुप्रिया सुले को शांति से, गंभीरता से, बाबा की तरह बैठकर, ये नहीं कि शरद पवार साहब ने जो बोला, सुप्रिया ने जो बोला वही शरद पवार करेंगे, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। उन्होंने तो किसी की भी नहीं सुनी, अपनी करी, अपनी यात्रा में ही चलते रहे, अकेला चलो, लोग जुड़ते गए, उनकी कुंडली अच्छी थी, वो सत्ता में कामयाब रहे, उनकी कुंडली अच्छी थी, मगर आज कुंडली में खराबी आ चुकी है। कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है वो मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं। शरद पवार वैसे कमज़ोर ज़रूर हुए हैं सेहत से, बट मानसिक तौर पे कमज़ोर नहीं हुए। उनको अपनी पुत्री के साथ बैठकर अपने जो नेता उनके साथ बच गए हैं, चाहे वो वलसे पाटिल, चाहे वो उनके जितने भी नेता बचे हैं, जेएन पाटिल और प्रफुल्ल को अभी भी बुलाते रहते हैं, जितने उनके साथ के नेता बचे हुए हैं उनके साथ बैठकर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि 25 और 26 में सेहत को लेकर मुझे भी ऐसे इतने बड़े नेता की चिंता हो रही है, क्योंकि इवेंचुअली कहीं ना कहीं हर आदमी की यात्रा खत्म होती है। बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट, गुड लक, आरोग्यवान भव, धनवान भव, यशस्वी भव, इसके साथ अगली यात्रा पर चलता हूँ। तब तक नमस्कार।